नमस्कार सभी साथियों को, मैं स्क्रीन फिक्सर से राज एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है। इसमें आपको पता लगेगा आप एज ग्लास बहुत ही आसानी से कैसे आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी एज ग्लास हो, चाहे वो ओप्पो, वीवो, एम आई, वन प्लस, सैमसंग, कोई भी आपका एज मॉडल हो, आप बहुत ही ईजी वे से कैसे आप चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरा मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, तो आप बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुने। अगर आपको एज की ट्रेनिंग के लिए अगर आना है, अगर आपको लगता है कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है, आप अपडेट होना चाहते हैं, तो आप हमारे जो एक तारीख का बैच है, जो 1 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। 1 जून के अगर बैच में आपको ज्वाइन होना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो पूरी टीम है वो आपकी पूरी हेल्प करेगी। आपको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, आपको कब आना है, कैसे आना है, कैसे कैसे आपको आना है, आप बुकिंग कैसे करा सकते हैं, आप हमारे पास आएंगे तो आपका रहने का क्या इंतजाम है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, दोस्तों एज ग्लास की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही ईजी वे से होती है और बहुत ही आसानी से आपको हम समझाते हैं, और टोटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और बहुत ही नॉमिनल फीस है। सबसे बड़ी जो चीज है दोस्तों, फीस बहुत ज्यादा नहीं है, नॉमिनल हमने फीस रखी हुई है, जो कि ओनली 30,000 हमने ओनली फीस रखी हुई है, जिसमें आपको टोटली एज की प्रैक्टिकल हम देते हैं, और आईफोन और आई वॉच इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसकी भी आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट आप बना सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट में जैसे ही आप आएंगे, आपको सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको आईफोन की ट्रेनिंग, अगर आपको एंड्रॉयड की ट्रेनिंग भी चाहिए, तो दोस्तों वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आपको एंड्रॉयड की ट्रेनिंग चाहिए, आईफोन हार्डवेयर की ट्रेनिंग चाहिए, एंड्रॉयड हार्डवेयर की ट्रेनिंग चाहिए, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, और डेमो क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रखी हुई है। डेमो बिल्कुल फ्री है, आप कभी भी आकर डेमो ले सकते हैं। दोस्तों, हार्डवेयर फिक्सर जो हमारा दूसरा चैनल है, आप उस पर जाइए और वहां पर आपको बहुत सारे जो सॉल्यूशन है, जो हार्डवेयर के जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, आप उन्हें देखिए। अगर आपको कोई और भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये इस पर वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे उस प्रोडक्ट पर आपको वीडियो देने की। दोस्तों, हार्डवेयर चैनल हमने अपना अलग बना दिया है, जिसका नाम हार्डवेयर फिक्सर। तो हार्डवेयर फिक्सर पर ज्यादा से ज्यादा आप जाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम और हमारे जो भाई हैं उनकी हेल्प कर सकें। तो दोस्तों, मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में तो बता ही दिया है। अगर आपको ट्रेनिंग में ज्वाइन होना है तो मेरा जो नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वन प्लस 7 प्रो मेरे सामने है। ये वन प्लस 7 प्रो जो मैं दिखा रहा हूं, इसका ग्लास क्रैक है। तो अगर आप इसका ग्लास अगर चेंज करना हो तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरा आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपका कोई भी एज मॉडल का ग्लास आपका टूट गया है, तो आप हमारे पास भेज भी सकते हैं, आप कुरियर के जरिए भी भेज सकते हैं, चाहे हमारे स्टोर पर भी आ सकते हैं। दोस्तों, कोई भी एज ग्लास हो, हम 2 से 3 घंटे में आपको रिपेयर करके दे देते हैं, चाहे आपका S23 अल्ट्रा मॉडल क्यों ना हो। 2 से 3 घंटे का टाइम हम आपसे मैक्सिमम टाइम लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार और भी काम चल रहा होता है, तो ये इतना टाइम आप लेकर जरूर आए, तो आपका ये नहीं कि अगले दिन मिलेगा, सेम डे आपका काम हो जाता है। तो अगर आपको आना है तो भी स्टोर का जो एड्रेस है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप कॉल कर ले पहले, आने से पहले अपना वीडियो सेंड करके जरूर भेज दें। व्हाट्सएप पे आप वीडियो भेजेंगे, सारी चीजें आपको मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि आपका कितना कॉस्ट लगेगा। आपको व्हाट्सएप पे एड्रेस भी आ जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स, आपको लोकेशन, एड्रेस सब आ जाएगा। तो अगर आपको कोई भी फोन हमसे रिपेयर कराना है तो आप व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये ओनली इसका ग्लास क्रैक है, डिस्प्ले इसका प्रॉपर है, ओनली इसका ग्लास हमें चेंज करना है। तो दोस्तों, ये
जो वन प्लस 7 प्रो का ये नया ग्लास है, ये हम इसका चेंज करेंगे, ये टूटा हुआ ग्लास हटाकर ये वाला ग्लास हम इसमें चेंज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हमें बैक जो ढक्कन है वो ओपन करना है, तो टेम्परेचर इसमें हमें 100 रखना है और 100 टेम्परेचर पर इसको हीट करना है, 1 से 1.5 मिनट आपने इसको हीट कर लेना है। दोस्तों 1 से 1.5 मिनट आप हीट करेंगे इसको तो बहुत ही इजी तरीके से आपका जो बैक ढक्कन है ये ऐसे ओपन हो जाएगा, और इसको ओपन करने के बाद आपको इसका जो फ्लेक्स है, एक जो पीछे फ्लेक्स लगा होता है आप उसको फ्लेक्स को हटा सकते हैं। और दोस्तों इसको मैं नीचे से ही खोलूंगा, ओनली ये नीचे से मैं ओनली खोलूंगा, मैं पूरा बोर्ड इसका बाहर नहीं निकालूंगा। तो आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरे पर आप ये टेप लगा लें, अब हम इसको हीट करेंगे। दोस्तों एज ग्लास आप अगर बना रहे हैं तो आपको कटिंग का पता होना चाहिए, आपको कटिंग कैसे करनी है। मेन एज ग्लास में कटिंग है, आप एज ग्लास कटिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, जो एज ग्लास का कटिंग का जो सही तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसका ग्लास अलग कर लिया है। तो दोस्तों ग्लास आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसका ग्लास अलग कर लिया है, और अब जो इसका जो ग्लू लगा हुआ है इस पे, जो ये मोटा मोटा ग्लू लगा हुआ है, वो हम इस रोलर की सहायता से इसको क्लीन कर लेंगे। दोस्तों जितना भी ये ग्लू लगा हुआ है ये आपको रोलर से क्लीन कर लेना है, मोटा मोटा जो आपका ग्लू है ये इस तरीके से आपने रोलर से क्लीन करना है। और दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, आपको जो रोलर चलाना है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना, तो इस चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं काफ़ी देखता हूँ, हमारे भाई वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दोस्तों मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, वीडियोस बनाने का मोटिवेशन भी तो मिलना चाहिए। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियोस को लाइक नहीं करोगे तो दोस्तों वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है वो नहीं मिलता है। तो
अगर हम वीडियो बनाते हैं, वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है और आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को। आप सभी से मेरी यही गुजारिश है। तो आप देखें किस तरीके से ग्लू को हमने क्लीन कर लेना है। डिस्प्ले दोस्तों हमारी अलग हो चुकी है फ़ोन से, और आपने देखा डिस्प्ले को अलग करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। डिस्प्ले देखो ये फ्रेम से आउट हो चुकी है, फ़ोन से आउट हो चुकी है डिस्प्ले, और थोड़ा फ़ोन हीट है तो फ़ोन को ठंडा होने देते हैं। दोस्तों ग्लास लगाने का जो प्रोसेस है वो हम आपको बता रहे हैं, और ग्लास लगाने से पहले आप इंश्योर कर लें कि आपके डिस्प्ले प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए, कोई ग्लू नहीं होना चाहिए डिस्प्ले का, बिल्कुल भी कोई भी हिस्सा कहीं पर भी आपका ग्लू नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले मैं प्रॉपर क्लीन कर लेता हूं और उसके बाद मैं इसमें ग्लास रखूंगा और फिर मैं इसको पंच कर दूंगा। दोस्तों पंचिंग भी मेन है, अगर आप एज ए ग्लास की पंचिंग आपको नहीं पता है तो भी आपकी डिस्प्ले ख़राब हो सकती है, तो एज ग्लास की प्रॉपर पंचिंग आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो देखो दोस्तों मैं वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताता हूं, और अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, आप यहाँ से पूरा क्लियर होकर ही जाते हैं, और मेरे सभी भाई जो बहुत दूर से आते हैं उनके लिए रहने का इंतज़ाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। 7 दिन की आपकी ट्रेनिंग है, 7 दिन का आपका रहना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास रहता है। ट्रेनिंग के अलावा आपको कोई भी अलग से बर्डन नहीं पड़ता है। अगर आप स्क्रीन फिक्सर में आ रहे हैं तो बिल्कुल बगैर टेंशन के आप आ सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं प्रॉपर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर हमने क्लीनिंग कर ली है और अब हम इसमें ग्लास रखेंगे। ग्लास कैसे पंच करना है ये भी आप प्रॉपर तरीके से देख लेना। एज ग्लास चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। तरीका आपको सही पता होना चाहिए, सही तरीका आपको पता है तो आपका काम 101% सही होने जाएगा, और आपको अगर तरीका नहीं पता है तो दोस्तों आप अपनी डिस्प्ले का नुकसान कर बैठेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो ट्रेनिंग आपको लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अपडेट का ज़माना है।
अपडेट नहीं होंगे तो पीछे रह जाएंगे। आप देख सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर क्लीन है, और मैं अब इसका ग्लास ग्लास आप जो बिठाएंगे वो दोस्तों आपको प्रॉपर जो अलाइनमेंट है वो करनी है। आपको डिस्प्ले की प्रॉपर अलाइनमेंट पता होनी चाहिए कि डिस्प्ले आपको ग्लास पर कहाँ रखनी है। अगर आपको डिस्प्ले की प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं पता है तो भी आपकी डिस्प्ले ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों आपने देखा डिस्प्ले हमें रख लेना है, और अब हमें इसको मशीन में डालना है पंच करने के लिए। मशीन हमने स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं डिस्प्ले जो पंच हुआ है उस पंचिंग में भी कोई बबल नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी हमें इसको 1 से 2 मिनट बबल में रखना जरूरी है। दोस्तों वैसे तो इसमें बबल नहीं था, लेकिन बबल में डालना बहुत ज़रूरी है कि उससे फिनिशिंग आ जाती है। और उसके बाद आपको इसको यूवी में रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एज मॉडल आपको ग्लास लगाने के बाद यूवी ज़रूर कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं डिस्प्ले पूरा रेडी हो चुका है, और अब हम इसको पूरा पैक कर लेंगे। फिनिशिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी आसानी से आप एज ग्लास को चेंज कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको मुश्किलें आ रही हैं तो दोस्तों उसका एक ही सोल्यूशन है, स्क्रीन फिक्सर। आप स्क्रीन फिक्सर को ज्वाइन कीजिए, और टोटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके आप सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए अभी मुझे आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर देना, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अभी करें। जो सब्सक्राइब का बटन है वो दोस्तों अभी आप दबा लें। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।